हाय दोस्त, मैं सुनील कुमार प्रसाद आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सुनील कुमार प्रसाद पर। आज हम लोग केमिस्ट्री के पहले जो पहला चैप्टर है अभिकारक और सॉरी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसका दूसरा भाग पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले पढ़ना है कि अभिकारकों एवं उत्पादों के भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था कहने का अर्थ क्या होता है? भौतिक अवस्था कहने का अर्थ हुआ कि जिसमें बदलाव किया जा सकता है, जिसमें बदलाव किया जा सकता है वो भौतिक अवस्था कहलाता है। ठीक है, जैसे कभी कभी ठोस को द्रव में बदल दिया जाता है, द्रव को ठोस में बदल दिया जाता है, द्रव को गैस में बदल दिया जाता है। जैसे पानी को जब गर्म करते हैं तो उसको हम गैसीय के रूप में बदल सकते हैं। चलिए, उसकी अवस्था में जब हम रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं तो उस समय क्या क्या हम बदलाव कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ है ठोस। तो जब ठोस को हम लिखते हैं, जो भी ठोस होगा जब हम उसको हम लिखेंगे, जैसे CaCO3 को जब लिखते हैं तो इसके ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। ठीक है, वही अगर हम बात करें द्रव्य का, तो जब द्रव जैसे कि हम H2O को लिखना है, हमें क्या लिखना है? H2O लिखना है, तो ब्रैकेट में हमें क्या देना पड़ेगा? तो एल देना पड़ेगा। ठीक है, क्या देना पड़ेगा? एल देना पड़ेगा लिक्विड के लिए। तो ये हो गया द्रव के लिए। वही अगर बात करें अगर गैस के लिए, जैसे कि CO2 लिखना है, CO2 लिखना है तो ब्रैकेट में इसको क्या देना पड़ेगा? या तो ऊपर की ओर तीर के निशान देना पड़ेगा या ब्रैकेट में जी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला है जलीय विलयन। तो जलीय विलयन जब भी लिखेंगे तो उसके ब्रैकेट में क्या देना पड़ेगा? हमें एक्यूब देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक्यूब देना पड़ेगा। जैसा कि नीचे देख रहे हैं कि समीकरण में यहाँ बताया गया है कि जो लोहा है उसको हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ देखिए, लोहा जो एक ठोस है, ठोस के लिए ब्रैकेट में एस है, और H2O है। H2O क्या है? एक जल है। तो जल के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर Fe2O3 है, तो यहाँ पे क्या है? वह एस है। ठीक है, एस। और क्या H2 क्या है? यहाँ पे गैस है। ठीक है, यहाँ पे हम जी भी लिख सकते, क्यों? जब हम जल वाष्प से अभिक्रिया कराएंगे तो उस समय क्या हम इसको जी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे H2O के बगल में जी लिख सकते हैं। अगर जल में अगर डुबाते हैं तो सीधा क्या एल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब बोल रहा है कि कुछ आवश्यकता परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि के तीर के नीचे उत्प्रेरक का या ताप का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम लोग भी पढ़ते रहते हैं कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को, जब CaCO3 को जब गर्म की जाती है, जब गर्म करने की बात आएगा तो ऊपर क्या करेंगे? हाँ, क्या तीर के ऊपर क्या करेंगे? तीर का दे देंगे, या दे देंगे तीर के ऊपर गर्म लिख देंगे। ठीक है, या डेल्टा का चिन्ह दे देंगे। यही बोल रहा है अगला कि ऐसे हम लिखा जाता है, तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। आगे बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहला जो है संयोजन अभिक्रिया। क्या रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार में सबसे पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन माने क्या होता है? संयोजन माने होता है जुड़ जाना। क्या होता है? जुड़ जाना। जैसे A+B जुड़ के क्या C बनाया है, यानी कि सीधा बात करें कि जब दो छोटे छोटे अणु जुड़कर एक बड़े अणु का निर्माण करेगा तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ लिख रहा है इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिल जाते हैं। अभिकारक जो भाग लेता है रासायनिक अभिक्रिया में उसे अभिकारक कहा जाता है। तो ये बोल रहे हैं अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? एक नया उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जैसे यहाँ बोल रहा है कोयले का जलना। कोयले का जलना, तो यहाँ कोयले के जलना में क्या है? तो यहाँ बात पे समझा जाए कि जब कोयला अर्थात कि कार्बन को जब जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है। CO2 गैस बनाता है, धुआं निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे CO2 तो कैसे बना? तो जब दो गो मिला है, जब दो गो अभिकारक मिला है तो एक प्रतिफल का निर्माण हुआ है, तो उसे हम कहेंगे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। नीचा उसी प्रकार बोल रहा है कि जब H2 और O2 मिलता है तो H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। और चाहे कि जब कली चूना यानी बुझा बुझा हुआ चूना को जब जल में डुबोई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, अर्थात बुझा हुआ चूना का निर्माण होता है। तो यहाँ पे बुझा हुआ भी क्या हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे दो गो जुड़ रहा, एक का निर्माण हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। अगला है
ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता है? तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलता है अभिकारक के साथ, सॉरी प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन, जब हम प्राकृतिक गैस जलाते, जैसे मेथेन गैस जलाते हैं, चाहे एलपीजी गैस ही भी जलाते हैं, तो उसके द्वारा क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और ऊष्मा का निर्माण होता है। या आप लोग जो श्वसन होता है शरीर में, श्वसन वो भी क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊष्मा का निर्माण करता है, यानी कि जब हम श्वास लेते हैं तो वहाँ पे ऊष्मा का निर्माण होता है। ठीक है, अगला बोल रहा है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, वियोजन माने होता है टूट जाना, वियोजन माने होता है टूट जाना, यानी कि जब कोई एक अभिकारक है और उससे दो प्रतिफल का निर्माण होता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पे बोल रहा है उसका डिफिनेशन, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर दो या अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिएगा उसका भी प्रकार बोल रहा है, जैसे ऊष्मीय वियोजन सबसे पहले बोल रहा है, जब ऊष्मा के द्वारा जब वियोजन की क्रिया होता है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, जब ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो फेरस सल्फेट है उसको जब हम गर्म करते हैं तो वह तीन भाग में टूट जाता है, देख पा रहे हैं आप लोग, फेरिक ऑक्साइड में, SO2 में और SO3 में टूट जा रहा है। ठीक है, तो जब एक से तीन को टूट रहा है या दो को टूट रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे ऊष्मीय वियोजन, यानी कि सीधा बात कर वियोजन भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ है कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो CaO और CO2 का निर्माण होता है, यानी कि यहाँ भी वियोग हो रहा है और किसके द्वारा हो रहा है, तो ऊष्मा के द्वारा जब हम गर्म करते हैं तो ही निर्माण होता है इसका। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। अब है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन क्या होता है, तो जब विद्युत धारा के द्वारा क्या होता है, वियोजन क्रिया होता है तो उसे हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। जैसे कि अगर H2O में, अगर यानी कि जल में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो H2O दो भाग में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे विद्युत धारा के द्वारा वियोजन हुआ इसलिए इसे कहा जाएगा वैद्युत वियोजन कहा जाएगा। यहाँ पे चित्र द्वारा भी समझाया गया है। अब है प्रकाशीय वियोजन। तो प्रकाशीय वियोजन क्या होती है कि जब सूर्य के प्रकाश के द्वारा जब वियोजन होती है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। आपको याद रहे कि लालटेन बल्ब इत्यादि के द्वारा वियोजन क्रिया नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रकाशीय यानी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही वियोजन की क्रिया हो सकता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ बता रहे कि AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में छोड़ते हैं तो Ag और Cl2 का निर्माण होता है, वैसा ही जब सिल्वर ब्रोमाइड को जब छोड़ते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो Ag और Br2 यानी कि सिल्वर और ब्रोमाइड गैस का निर्माण होता है, ब्रोमीन गैस का निर्माण होता है। ये दोनों जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका उपयोग हम लोग जो श्याम एंड श्वेत फोटोग्राफी होता है, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होता है उसमें यूज किया जाता है। अगला है ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होता है, तो जिस अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखें CaCO3 जब CaCO3 को जब ऊष्मा को उपस्थिति में गर्म करते हैं यानी कि ऊष्मा का यहाँ पे शोषण हो रहा है तो इसीलिए इसी का कहेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। अब है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, तो ये बोल रहा है कि जिस इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, स्थापित कर देता है, तो यानी विस्थापित कर देता है, उसे हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सीधा बात करें तो एक जो अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, विस्थापित करता है। जैसे कि एक लोहा है यानी कि फेरस है, वो क्या करता है, कॉपर क्या करता है कि विस्थापित कर देता है और स्वयं बना लेता है, फेरिक सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। वही बात को यहाँ पे चित्र में समझाया गया है। आज बोल रहा है वही बात को डिफिनेशन द्वारा बता रहा है कि लोहे के कील को, जब लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर परत जम गई। ठीक है, बोल रहा है कि लोहे के कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। ठीक है, CuSO4 के नीले विलयन का
रंग हरा यानी कि FeSO4 के निर्माण के कारण होता है। उसी प्रकार यहाँ बोल रहा है कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है, जिंक क्या करता है, कॉपर को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि कॉपर से अधिक जिंक जो है क्रियाशील है, इसलिए विस्थापित कर देता है। अब है द्विविस्थापन। द्विविस्थापन क्या होती है, तो जब आयनों के चयन द्वारा जब अभिक्रिया होती है तो इसे द्विविस्थापन कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि इन अभिक्रियाओं में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान के द्वारा होता है। आयनों के आदान प्रदान कहने का अर्थ है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि Na2 और SO2 है ना, Na2SO3 यानी कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड है, ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो आयन का विनिमय करेगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, कि ये दोनों क्या करता है, आयन का विनिमय कर रहा है, यानी कि बी यहाँ पे Na2 में आ रहा है और Na2 कहाँ जा रहा है, तो Cl के साथ जाके NaCl बना रहा है, तो यहाँ पे आयन का विनिमय हुआ है, ठीक है, तो इसे कहेंगे द्विविस्थापन कहेंगे। यहाँ पे भाषा में समझा रहा है कि बेरियम सल्फेट के सफ़ेद अविलय अपक्षेप का निर्माण होता है, इसलिए हम अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अपक्षेपण अभिक्रिया यानी कि अपक्षेप का निर्माण होगा तो उसे अपक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे, सीधी सी बात है। अब है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है, तो याद रखिए, उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है, ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ठीक है, या ऑक्सीजन निकलता है, उसे कहेंगे क्या कहेंगे, उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और अपचयन अभिक्रिया की बात करें तो जहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होगा या हाइड्रोजन का बढ़ोतरी होगा तो उसे कहेंगे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, क्या कहेंगे, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन घट रहा है, तो यह हो गया अपचयन। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, तो यह हो गया हमारा क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया हो गया। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में और बातें करेंगे, ठीक है, बने रहिए, गुड बाय, जय हिंद।